Hi friends, I am Gayatri Joshi and you stay my channel. Okay, आज हम कोई मेकअप रेसिपी या कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करने वाले. आज हम लोग फारूक शेख के बारे में बात करने वाले हैं. मुझे पता है कि फारूक शेख के बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ. उसका रीज़न है मेरे पास. वो मेरे गुजरात से थे, मैं भी गुजरात से हूँ, वो भी गुजरात से थे. और आज 25 मार्च है, 25 मार्च को उनका बर्थडे है. गूगल भी जब डूडल बना के उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, तो मैं तो मतलब बनती हूँ. उनसे मैंने सीखा है, मैंने देखा है कि वो अभिनय को निभाते नहीं हैं, वो उसको जीते थे. कोई सा भी कैरेक्टर दे दो, वो उसको जीते थे. चाहे बाजार का कोई कैरेक्टर ले लो, चश्मे बद्दूर का कोई कैरेक्टर ले लो, उमराव जान का वो कैरेक्टर ले लो, नवाब का. बहुत ही फ्लोलेस, बहुत ही सिंपल और कुछ एक्स्ट्रा, मतलब ऐसा दिखावा नहीं, बस उनका एक्टिंग ही उसका USP था. 28 दिसंबर 2013 को वो नहीं रहे. आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में जो ना कि आर्ट मूवी थी लेकिन कमर्शियल मूवी भी थी, वो एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम करा. फिर बाद में उन्होंने टीवी पे भी काम करा, टीवी पे एंकर, एज अ एंकर उन्होंने बहुत अच्छा काम करा. वो समाजसेवी भी थे. उनका जन्म अमरेली में हुआ, वो वकील परिवार में जन्मे थे. लेकिन बावजूद इसके उन्होंने वकीलात का पेशा पसंद नहीं किया, उन्होंने अभिनय सिनेमा को पसंद किया. आज उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फारूक दा, वी मिस यू, वी मिस योर एक्टिंग. आई डोंट नो आप तक कोई पहुंच सकता है या नहीं, लेकिन आप हमेशा हमेशा हमें याद रहोगे. थैंक्स फारूक शेख, वी ऑल लव यू. एंड थैंक यू फ्रेंड्स. ओके, फिर मिलते हैं. बाय, टाटा, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय.